समझ रहे उस लड़की के साथ क्या बीती होगी। उसकी स्कूटी, उसका टायर पंक्चर हो गया था। सामने वाले ने कहा मदद करूंगा और उसको जिंदा जला दिया। आप सोच सकते हैं उस लड़की ने डर में अपनी बहन को फोन किया होगा, वो उस पर क्या बीत रही होगी और हम क्या कर रहे हैं। मुझे गुस्सा आता है, मैं कितनी दफा यहाँ बैठकर आप लोगों के सामने ये सवाल उठाती रहूंगी कि हिंदुस्तान की बच्चियां आजादी से क्यों नहीं घूम पाती। इस मुल्क में वो जब जाती है तो उसे क्यों डर लगता है कि आंखें नोच लेंगी। क्यों, कब तक ये सवाल हम उठाते रहेंगे और आप लोग प्रज्ञा ठाकुर पर लड़ेंगे, मंदिर और मस्जिद पर लड़ेंगे। आज अयोध्या में हम इसलिए हैं क्योंकि अयोध्या को सेंटर पॉइंट बना दिया गया है इस वक्त इस पूरे मुल्क का। अयोध्या में अब हम उस जगह आ गए हैं जहां राम मंदिर का ये मॉडल इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हूबहू राम मंदिर ऐसा ही दिखने वाला है कि थोड़ा नीचे की तरफ जाएंगे आप, थोड़ा पीछे की तरफ आएंगे तो बिल्कुल सामने आपको छोटे से रामलला विराजमान इस वक्त नजर आएंगे मॉडल में। आज कोर्ट में राम मंदिर पर सुनवाई 5 सेकंड में खत्म हो गई। उस 5 सेकंड में फिर मिल गई आपको अगली तारीख और इस पर आज हमारा सीधा सवाल कि क्या बच्चा राम का बीजेपी के काम का। सवाल ये कि कांग्रेस साफ क्यों नहीं करती है कि वो राम मंदिर के साथ है या राम मंदिर के खिलाफ है। खुद को जनेऊधारी हिंदू और शिव भक्त बताने वाले राहुल गांधी राम मंदिर मुद्दे पर खामोश क्यों है। कि क्या राहुल गांधी सिर्फ चुनावी फायदे के लिए मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं, टेंपल रन। क्या राम पर सुविधा की सियासत करती है कांग्रेस। ताल ठोक के ये सवाल पूछेंगे कि श्री राम मंदिर का निर्माण रोकने वाले रावण है कौन। राम मंदिर की स्क्रिप्ट तय, सिर्फ एक्शन बाकी है क्या। क्या मुसलमान वाकई राम राज्य अयोध्या में लेकर आएंगे। क्या मुसलमान राम मंदिर के लिए तैयार है। सवाल तो बिल्कुल सीधा सा है, कश्मीर मुसलमान का या कश्मीर हिंदुस्तान का, मुसलमान हिस्सेदार या किराएदार। और आप लोग प्रज्ञा ठाकुर पर लड़ेंगे, मंदिर और मस्जिद पर लड़ेंगे। महिलाओं के लिए कितने दिनों तक आप लोग इस तरीके से प्रदर्शन करते नजर आए। निर्भया जब हुआ तब लगा था बस खत्म हो गया है। मैं माफी चाहती हूँ, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, मुझे संतुलित होकर अपनी बात आप तक पहुंचानी चाहिए। मैं माफी चाहती हूँ कि मैं एक औरत हूँ और मैं आज अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। मोदी जी, ये इस सवाल को पूछने पर हो सकता है बड़ी आलोचना हो, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ, सुमित भी इंसान है, आप भी इंसान है, मेरी भी 2 आंखें हैं, आपकी भी 2 आंखें हैं। मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड, आप थकते क्यों नहीं है। आपको मजा आता है काम करने में या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं, क्या राज क्या है। ये जो आप बात कहते हैं कि गाली को आप गहना बना देते हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ है, आपने अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों गांधी भाई बहनों में से बेहतर नेता कौन सा लगता है। आपने रात्रि का जिक्र किया, नवरात्रि शुरू होने वाली है, बहुत सारी रैलियां हैं, आप इस बार भी व्रत रखेंगे, आपकी एक्सपायरी डेट है मोदी जी। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह, आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। लेकिन टेंशन मत लीजिए, जब तक व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग भेजने की सुविधा है तब तक आपको कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ।